इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ या हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन जो है वो बहुत ही पॉपुलर और सिंपल इक्वेशन है किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर निकालने का। मान लीजिए कि आपके पास इस बीकर में पानी है और आप चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इस बीकर के अंदर प्रेशर कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। तो चूंकि ये फ्लूइड रेस्ट में है तो आप अगर किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आप प्रेशर निकालना चाहें, तो क्या करोगे, सरफेस से इस पॉइंट का हाइट कितना है वो निकाल लोगे और फिर इस लिक्विड का डेंसिटी रो टाइम्स इसका ग्रेविटी जो है जी और इसका हाइट उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी इक्वल टू रो जी एच निकाल लोगे, तो वही आपका हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पी इक्वल टू रो जी एच जो है यही इसी इक्वेशन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, जहां पे पी है आपका प्रेशर, जी है आपका रो है आपका डेंसिटी, जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एच है आपका हाइट, हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये जो प्रेशर निकलता है वो निकलता है गेज प्रेशर। मैंने एक वीडियो बनाया है एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है और वैक्यूम क्या होता है। तो अब चलिए इस हाइड्रोस्टैटिक लॉ को हम जो है वो प्रूफ करते हैं। तो बहुत आसान है, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है इस तरह से, और आपको किसी भी हाइट पे, मान लीजिए कि इस हाइट पे आपको, इस पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना है जिसका हाइट जो है वो यहां से जो है, इसका जो हाइट है वो मान लीजिए एच है, इस पॉइंट पे आपको इसके सरफेस से जो इसका हाइट है वो एच है और इस पॉइंट पे आपको निकालना है कि प्रेशर कितना है। तो आप क्या करो कि यहां पे एक फ्लूइड एलिमेंट ले लो इस पॉइंट पे इस तरह से, और उसका मान लो कि थिकनेस जो है उस फ्लूइड एलिमेंट का डीएच है। अब जो है मान लो कि इस पॉइंट, इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो है वो प्रेशर ऊपर से भी लग रहा है और नीचे से भी लग रहा है, क्योंकि तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो है हर डायरेक्शन से लगता है। तो यहां पे हम बस दो डायरेक्शन मान रहे हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो मान लीजिए कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो है पी और जो नीचे से लग रहा है वो है पी प्लस डीपी, क्योंकि हाइट के साथ प्रेशर बढ़ता है तो थोड़ा सा हम पी प्लस डीपी मान लेते हैं। और आप ये भी मान लो कि जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बीकर का वो है आपका ये वाला एरिया, वो एरिया है आपका ए। तो अगर इस फ्लूइड एलिमेंट का फ्री डायग्राम की बात करें, ये मान लीजिए कि फ्लूइड एलिमेंट है, इसके फ्री डायग्राम की बात करें, तो आपका ऊपर से प्रेशर पी लग रहा है तो फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर टाइम्स एरिया, और नीचे से कितना लगेगा, प्रेशर टाइम्स फिर से एरिया, सो पी प्लस डी पी इंटू ए, और एक फोर्स इसके वेट के कारण नीचे लगेगा जो होगा मास इसका इंटू ग्रेविटी। तो अगर आप इस फ्लूइड एलिमेंट पे अगर आप फोर्स बैलेंस करो, अगर आप मान लो कि इस पे आप फोर्स बैलेंस करो, तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है आपका पी ए, अपवर्ड लग रहा है आपका पी प्लस डी पी इंटू ए, और डाउनवर्ड इसका वेट लग रहा है। तो अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव मान लो और डाउनवर्ड को निगेटिव मान लो, तो अपवर्ड जो है आपका वो है पी प्लस डी पी इंटू ए और डाउनवर्ड है आपका पी ए, तो निगेटिव मान रहे हैं हम डाउनवर्ड को, और फिर डाउनवर्ड क्या है, इसका मास और इसका ग्रेविटी से मल्टीप्लाइड, और यह सब किसके बराबर है, जीरो, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में है और ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पी से पी इंटू ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दो, तो आपका बच गया डी पी इंटू ए माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। तो फिर से लिख दो डी पी इंटू ए, और m क्या है, मास उस फ्लूइड एलिमेंट का है, तो उस फ्लूइड एलिमेंट का मास कैसे निकलेगा, मास निकालने के लिए आपको डेंसिटी और उस फ्लूइड एलिमेंट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस फ्लूइड एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया और टाइम्स इसका थिकनेस,
तो इसका एरिया ए है और थिकनेस जो है वो डी एच है, सो रो ए डी एच इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए तो आपका बच गया डी पी इक्वल टू रो, और जी भी रहेगा यहां से, तो ये जी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रो जी डी एच, इस तरफ से मैंने उस तरफ कर दिया उसको, तो डी पी इक्वल टू हो गया रो जी डी एच। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, एच इक्वल टू जीरो से एच किसी भी हाइट तक कर लीजिए एच तक, तो जीरो से लेके एच तक, तो प्रेशर जीरो से पी हो जाएगा और एच का इंटीग्रेशन जीरो से एच हो जाएगा, तो फिर इस तरफ हो जाएगा आपका पी और इस तरफ आपका क्या है रो और जी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और डी एच को इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से एच तो ये हो जाएगा रो जी एच। तो प्रेशर जो है उस पॉइंट पे जहां हाइट एच है वो हो गया आपका रो जी एच, जहां पे रो क्या है लिक्विड का डेंसिटी, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एच है आपका हाइट। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, हाइड्रोस्टैटिक लॉ या हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।